तो वो जो मेरी दुआएं और मेरी नेक ख्वाहिश और मेरे नेक जज्बे तमाम आर्टिस्टों के लिए, और ये एक अच्छी महज का आगाज़ हुआ है। अब आर्टिस्ट अगर इस बरादरी में पूरी तरह शामिल हो गए तो टीवी का रंग बहुत बेहतर हो जाए। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है, आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन आर्टिस्ट को बिल्कुल हम नहीं बच सकते, वो चीज़ दीजिए जिसके लिए हम आपके पास मैं जाती तौर पे 10,000 रुपये कराची में आज़ाद जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। मेरे पास बहुत ही मोहसिन और नाम भी मोहसिन, जनाब मोहसिन अजीज साहब मोहसिन मजफी से तशरीफ लाए हैं, इनकी माजिश की बहुत दिखती है, देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा सा शक्लों से वाकिफ नहीं हूँ, मोहसिन साहब मेरा ख्याल है नॉट कन्फर्म, ये हमें सच्ची सूरत में वहाँ हमारी इंतजामिया को दे देंगे और हम बाद में बता देंगे कि क्या दिया, ताकि तस्वीर रहे कि हमने क्या लिया और इन्होंने क्या दिया। आइए खवातीनों हजरात, अब थोड़ी सी गुफ्तगु करते हैं मोहतरमा हुमा मीर साहिबा से। लेकिन हुमा, कुछ थोड़ा सा खुश समयों के ये सिलसिला, कुछ कॉमेडी, कुछ दिल, लेकिन जायज़ नहीं कह सकते कि ये भी ज़रूरी है, डोनेशन तो हमें चाहिए थे, लेकिन क्योंकि खुशी का मौका है और ये कलरफुल इवनिंग है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, एक काम करते हैं, ये कॉमेडी हम रख लेते हैं कर्ज के तौर पे, बाद में थोड़ा सा हमें सिग्नल आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि हम खवातीन हज़रात आपको लिए चलें इस्लामाबाद स्टूडियोज में, ओवर टू इस्लामाबाद स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज 26 नवंबर 1998 और एक और 26 नवंबर 1964 थी जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ इसी स्टेशन से, लाहौर स्टेशन से। सुना कि आज हमारी 34वीं साल गया वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर पिशावर स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद। इस वक्त हमारे एक बहुत मोहतरम शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं, खेल व सकाफत सियाहत और इतलात के सूबाई वज़ीर जनाब अब्दुल सुबहान खान। मैं कुछ बातें करना चाहूँगा क्योंकि लगे हाथों मौका मिला है, फिर शायद इनसे ऐसे हालात बन नहीं पाते। खान साहब, आज के इस इवेंट में आप हमारे साथ शरीक हैं, आप कैसे महसूस करते हैं 34वीं सालगिरह पे टीवी की और ये जो परफॉर्मर्स फंड है इसकी वेलफेयर के लिए ये जो सारा सिलसिला हो रहा है, आप इस सिलसिले में कुछ कहेंगे? मैं सोचती सालगिरह पे टीवी वालों को और आप सब फनकारों को मुबारकबाद देता हूँ, और जो प्रोग्राम आपने फनकारों के वेलफेयर के लिए फंड के लिए प्रोग्राम किया है ये एक बहुत अच्छा कदम है, और सब जो जितने सरमायादार या जो रखते हैं ताकत उनको चाहिए कि वो जो लोग जिन लोगों ने लानात किए उनका तकलीफ करें, क्योंकि फिर हमारे फनकार जो हमारा सरमाया है वतन के कल्चर और सकाफत का, फिर आखिरी उम्र में जब वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी वो कसम पुरसी में हालात और हालात से गुजरना पड़ता है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट की सूबाई हुकूमत की तरफ से फनकारों के वेलफेयर पर मैं 1,00,000 रुपये का ऐलान करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सारे देख रहे हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर, हमारे मिनिस्टर साहबान और हमारी हुकूमत से वाबस्ता तमाम वो दोस्त जो इस सिलसिले में हमारे साथ मदद कर रहे हैं, हमें आज से बहुत तवक्कुआत हैं कि मुल्क से बाहर भी जितनी ख़वातीन और हज़रात और दोस्त जुड़ गए पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन के, वो इस तरह की हौसला अफजाई इस फंड की, इस वेलफेयर सिस्टम की ज़रूर करेंगे। खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बैठे रहिएगा क्योंकि आपका बैठना हमारे लिए यहाँ खास एक एजाज है। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सुभान खान। दोस्तों, मैं जरा हेडक्वार्टर से थोड़ा सा एक मोहब्बतनामा अपना जरूर चाहूंगा कि डिस्कस करूं, क्योंकि थोड़ा सा गिला होता है कि लाहौर आप कट करके चले जाते हैं और यहाँ थोड़ा वक्त कम होता है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ इतने खूबसूरत और अच्छे अच्छे चेहरे हैं और इन्होंने इतना अच्छा और आला काम किया है कि मैं किसी तरह से भी इनके दरमियान जो एक पर्दा सा बना हुआ है वो खत्म करके आपसे इनकी गुफ्तगू कराना चाहता हूँ।
मेरी को कंपेयर हुमा मीर के पास। हुमा जी, कल कुछ डोनर्स के नाम हमारे पास मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर हमारे सीटीवी परफॉर्मर फंड के लिए कितना फंड दिया है। जनाब मुजाहिद दीन मुजाहिद साहब, फेडरेशन जनरल ऑल पाकिस्तान यूथ फेडरेशन सूबा सरहद, 34वीं सालगिरह के मौके पर सीटीवी परफॉर्मर फंड के लिए आप कितना डोनेट कर रहे हैं? शुक्रिया हुमायूं साहब, मैं सबसे पहले नौजवान दोस्तों की जानब से सीटीवी के अहलकारों को 34वीं सालगिरह के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान और सोशल वर्कर्स तो वैसे भी दूसरों के डोनेशन के मुख्ताज होते हैं, लेकिन हम अपने एक सोशल वर्कर दोस्त हाजी अब्दुल खादिर अफरीदी साहब, जो कि मालिक हैं फ्रंटियर कॉरपोरेशन पेशावर के, उनकी जानब से फनकार दोस्तों के सीटीवी परफॉर्मेंस फंड में उनकी जानब से 10,000 रुपये डोनेशन बतौर पेश करना चाहता हूँ। उनकी ख्वाहिश है कि हमारे फनकारों की हौसला अफजाई हो ताकि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश कर सकें। बिल्कुल थी बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और जनाब एक नाम मेरे पास और है, इनके ताल्लुक एक अखबार से है, डेली मस्तक के जनाब सैयद फयाज अली शाह साहब। फयाज साहब आप अखबार से हैं और आप फनकारों के लिए डोनेट करें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कितना जी, कितना अमाउंट डोनेट करें? अभी फिलहाल मैं 10,000 दे रहा हूँ अपने इदारे मस्जिद की तरफ जाने से, और साथ ही हमारी कोर कमी है कारकुन प्राइवेट लिमिटेड, उसकी जाने से 10,000 का बहुत अच्छा है। 10+10, 20,000 तो आप चेक दे रही हैं क्या? बहुत शुक्रिया। मौका नहीं जाना चाहिए खवातीन हजरात, खासकर हेडक्वार्टर से मेरी गुजारिश है कि चेक न कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। दो डोनर्स और वो तो हम बाद में डोनर्स के साथ देखेंगे। यहाँ एक बड़ी अहम शख्सियत ऐसी बच्ची और मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूँ कि उनसे बात हो, जिनसे हमने बैठना उठना और काम करना सीखा। पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन, 21 और 22 मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। सदर पाकिस्तान ने इस साल उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन में बेस्ट परफॉर्मेंसेस पे और इसके अलावा रेडियो के लिए अच्छा काम करने पे तमगाए इम्तियाज अनाउंस किया है। गेस करें कौन है? आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं समझ गई हूँ आप बात कर रहे हैं कैसे आर्टिस्ट की जिनका नाम मेरे ख्याल हर ड्रामे में सजाद सलीम होता है। सरदार बादशाह की बात, सरदार बादशाह, सरदार सरदार साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप जल्दी से हमें कुछ शॉर्ट कमेंट दे दें। सीटीवी के 34वीं सालगिरह के इस मौके पर सीटीवी इंतजामिया फनकार और एम्प्लॉइज को तहसीन पेश कर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट हमारे पास। एक ऐलान करता हूँ पेशावर के फनकारों की तरफ से कि हम भी इस फंड में इनके मशवरे से हमने ये फैसला किया है कि हम 1% अपने से चेक वगैरह से और मैजे से हम इस फंड में जमा करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खवातीन हजरात, हम आपको एक दफ़ा फिर एक्सपेक्ट करेंगे ओवर टू कराची टेलीविजन। थैंक यू। यहाँ क्वेटा से और ख़ास तौर पे जो एक आपने उनको अपनी जो पुरानी प्रोडक्शंस की जो झलकियाँ थी वो दिखाई और ये याद दहानी करवाने की ख़ास बात की, मुझे उम्मीद है कि हेडक्वार्टर की याद दहानी अपने जहन में महफूज रखेगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने अपनी माँ की गोद में आंख खोली और कहा कि मामा हम अभी तक जाग रहे हैं। तो और इससे पहले मैं गिलट के और बहुत सारे इश्तहार देख रहा था, तो मेरा भी जी चाहा कि मैं उमा को कहूँ कि उमा तुम यहीं बैठी रहो क्योंकि तुमने तो मेकअप किया हुआ है, मैं ज़रा शेव करके आ जाता हूँ। तो दोस्तों ये सिलसिला तो चलता रहेगा। उमा कुछ कह रही थी? उमा जी गुल, कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। पाकिस्तान टेलीविजन परफॉर्मर्स फंड के लिए कुछ मौजूदीन ने हमारे लिए डोनेशन भेजे हैं, मैं उनके अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। मैसेज एस एल हयात इंडस्ट्रीज पिशावर की तरफ से जनाब सैयद लियाकत हयात साहब ने 10,000 रुपये का चेक भेजा है। मैसेज एवीसी इस्लामाबाद की तरफ से जनाब नज़ीर अहमद वड़ाइच साहब, जो पाकिस्तान टेलीविज़न के रिटायर्ड डायरेक्टर इंजीनियरिंग है, उन्होंने बहुत सारी मुबारकबाद और 20,000 का चेक भेजा। ये चेक हमें मौसूल हो चुके हैं
और एक और साहब यहाँ मौजूद हैं जो डोनेशन देना चाहते हैं, इनके बारे में मैं ये बताऊँ कि ये पेशावर सेंटर के बहुत ज़बरदस्त कॉम्पेयर हैं। आजकल उनका एक प्रोग्राम आ रहा है अबासी, ये है जमशेद खान साहब जी। जमशेद 34th एनिवर्सरी मुबारक हो बहुत बहुत, और डोनेशन की क्या सूरत हाल है? असल में मतलब ये है जी कि 98 जो साल है वो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुख्तलिफ हवालों से एक बहुत खुशकिस्मत साल है। TTV अवार्ड जो 26 अगस्त को सेरेमनी हुई उसमें फनकारों के लिए खसूसी तौर से तमाम लोगों के लिए उसमें कैश प्राइज का अहतमाम किया गया। उन्हीं अवार्ड में ये सिलसिला भी शामिल रहा कि जो रीजनल लैंग्वेज के प्रोग्राम है वो पहली दफ़ा, और ये एक अच्छा कदम है कि उसको मुकाबले की दौड़ में शामिल किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब रूट मजबूत होंगे हर प्रोग्राम के हवाले से। हाँ जी, वो एक्चुअली जमशेद साहब मैं यहाँ थोड़ी सी गुजारिश करना चाह रहा था कि बड़ी मुश्किल से हमें ये थोड़ा सा वक्त मिला है, इससे पहले कि ये वक्त भी हम मिल जाए तो आप जरा थोड़ा सा जेब को हाथ लगाइएगा, वो ज्यादा बेहतर वाली बात है। आप ये बताएं कि आप चेक देंगे या कैश में पेमेंट करेंगे? और इस एनिवर्सरी के हवाले से ये बात बहुत अच्छी बात है कि जो टेलीविजन परफॉर्मर फंड इसे कंपेयर के साथ यही मसला होता है जब माइक उनके हाथ में आ जाए तो वो कुछ नहीं सोचते, बस बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपसे हमारी बातें होती रहेंगी जमशेद, आप काइंडली हमें अपना अमाउंट बताएं और जो कैश है वो हमें देते हैं। तो मैंने वही बात कही थी कि ये जो 34th एनिवर्सरी है ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ख्याल है जो आपसे बातें होती रहेंगी, मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। असल में जमशेद साहब जो है ना वो भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से डील कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त बज रहा है 1:15, वो कह रहे हैं कि डिसीजन देखते मैंने मरना पौने एक, किसने देखना किसने कि मैंने 20 सेकंड में आपको बाद में दूंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं पहली मरतबा जो पेशावर सेंटर आई थी मैं एक सीरियल करने आई थी हाला, और हालांकि राइटर डॉक्टर डेनिस आइज़क मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं उनके पास जा रही हूँ। अगर आपने मुझे जल्दी से नहीं बताया कि आप कितने पैसे दे रहे हैं तो आई एम गोइंग स्ट्रेट टू वर्ड्स हिम। आप माइक से पैसे को हम माइक करीब करते हैं, आप हाथ करीब करेंगे। जो मेरा जी आपने जिक्र किया मेरा जो प्रोग्राम अबासी जा रहा है इसमें अक्टूबर दिसंबर तकरीबन 25,000 रुपए ये बनते हैं, ये मैं डोनेशन कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब कैसे आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपको 34th एनिवर्सरी, इसे आप कुछ कहेंगे? घड़ी देख के ये सोच रहा था कि एनिवर्सरी 26 को थी, 27 हो गई, लेकिन खुशी की बात है मैं आज भी TTV को मुबारक देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट और मौजूद हैं, यकीनन बहुत प्यारे प्यारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, और हुमा तुम्हें मालूम है कुछ कि अभी जो सीरियल चला है लावा जी, उसके बड़े मारूफ राइटर हैं हमारे उस्तादों में से हैं, यूनुस काजी साहब वो भी मौजूद हैं, नासिर अली सैयद साहब मौजूद हैं, और हमारे बहुत ही मोहतरम सूबाई वजीर साहब जो सबसे बड़ा सरप्राइज है अब्दुल सुभान खान यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, और वो ये सब तमाशा देख रहे हैं कि कितना अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। काफी साहब आपको TV 34 साल का हो गया है, कैसा लग रहा है? और ये जो परफॉर्मेंस फंड है वेलफेयर फंड, इसका इजरा इसका सिलसिला ये कहाँ तक अच्छा रिस्पांस देगा? ये जरा तो बहुत डिजाइन है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी से एक जो एक नुकसान भी हमारा हुआ है वो ये कि हमें आज पता चला कि वाकई हम बूढ़े हो गए 34 साल के बाद मजीद, और जो ये फंड है ये तो एक इंतहाई अच्छा इकदाम है जो कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने मौजूदा इंतजामिया ने किया, ये मुबारकबाद के काबिल। एक्सक्यूज मी, मैं एक बात है वो मैं पूछना चाहती हूँ सरदार बादशाह साहब से। ये तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से है कि आप माशाल्लाह हमेशा एवरग्रीन लगते हैं और मेकअप का भी कमाल है। अब 34 साल हो गए TTV को बने हुए और 34 साल से तो आप काम कर ही रहे हैं, ठीक है, तो 34 प्लस 34 साहब जो समझ नहीं आ रहा कितने आप खुद बता दें। एक 29 साल में बहुत फनकार, 31 साल तो अब मैं क्योंकि 31 साल फन के लिहाज से नौजवान हूँ,
और जहाँ तक मेरे इस एवरग्रीन का ताल्लुक है तो मैं कहता हूँ कि रस्क हलाल हो, खुदा की बंदे से मोहब्बत हो, तो इतनी जल्दी बड़ा पा नहीं आ सकता। हुमा नासिरुद्दीन सैयद साहब बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं।